नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देश पांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम कल्याणक घृत, जो एक मेडिकेटेड घी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में ड्रग रिव्यू लेकर चर्चा करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मानसिक असंतुलन हो गया है इस व्यक्ति का, उसके लिए मैंने कल्याणक घृत एक बेहतरीन दवा पेश की है। तो कल्याणक घृत जो है उसमें त्रिफला है जो बेस्ट लैक्सेटिव भी है और वातानुलोमक है। वात पित्त कफे जो बायोएनर्जीज है, वात इज रिलेटेड विद द मूवमेंट्स एंड सब तरीके के जो इम्पल्सेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो, केमिकल हो, फिजिकल हो, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए वात अनुलोमन की जरूरत होती है, जो त्रिफला के द्वारा सिद्ध होता है। उसके साथ साथ उसमें हरद है, दारू हरद है, रेणुक बीज, अनंत मूल, प्रियंगु, इसके साथ साथ वात शमन जो द्रव्य है, वात को कंट्रोल करने वाले शालीपर्णी, पृष्णीपर्णी, देवदार, ये जो दशमूलारिष्टम बनाते हैं उसमें से ये सब घटक द्रव्य है। वालक तगर इंद्रवारुणी, इसमें जो तगर है वो मेंटल फैकल्टी पे ज्यादा काम करता है। दंती है जो बेस्ट लैक्सेटिव है, पर्गेटिव है, जो हमारे शरीर में उष्णता बढ़ जाती है पित्त के कारण, वो निकाल देने के लिए दंती बहुत अच्छी काम करती है। डाळिंब जो है, डाळिंब जिसको बोलते हैं पोमोग्रेनेट, ये न्यूट्रिशियस है, रक्त बढ़ाने वाली चीज है, हिमेटिनिक है, पित्त का शमन करती है। अम्ल होने के कारण बावजूद ये एक्सेप्शनल द्रव्य है। आंवला, कोकम और दाड़िम, ये जो है अम्ल रस होने के बावजूद उसका वीर्य उष्ण नहीं होता, शीत वीर्य होता है, तो कूलिंग इफेक्ट है। और रुद्य, रुद्य का मतलब है हमारी जो फिजिकल हार्ट है उसके लिए भी अच्छा है। आयुर्वेद ने रुदय शब्द दो अवयवों के लिए इस्तेमाल किया है, एक तो है हमारे यहाँ पर सीने में होने वाला जो फिजिकल हार्ट जिसको बोलते हैं, और एक जो मस्तिष्क है उसको भी आयुर्वेद ने हृदय ऐसा कहा है। तो ये मस्तिष्क स्थित हृदय है जिसको हम ब्रेन कह सकते हैं। तो ब्रेन और फिजिकल हार्ट, इन दोनों के लिए आयुर्वेद में कभी कभार हृदय ऐसे शब्द मालूम किया है। तो दाड़िम का उपयोग ये हमारी फिजिकल हार्ट के लिए भी होता है और ब्रेन के लिए भी होता है। उसके साथ साथ नागकेसर, नीलकमल, श्वेत कमल, कमल हमेशा लोटस जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करता है और अशांति, इरिटेशन कम करता है। मंजिष्ठा रक्त प्यूरिफाइड है। वाउडिंग जो है एंटी हेलमेंथिक कृमिघ्न द्रव्य है, जो भी भूत पिशाच जैसे इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको कंट्रोल में लाने के लिए वाउडिंग काम करता है। कोष्ठ जाई के फूल है, चंदन है, बहुत ठंडा ठंडा, कुलकुल, सैंडलवुड, तालिस पत्र और गृहति, या पित्त कंट्रोलिंग है। घी जो है घी ब्रेन टॉनिक बोला जाता है। मन के लिए भी रसायन द्रव्य है और पित्त वात को वो कंट्रोल करता है। कल्याण घृत का उपयोग मुख्य रूप से मानसिक विकारों के कारण होने वाले विभिन्न रोगों के लिए किया जाता है। ये जो कल्याण घृत है वो मेद्य है। मेद्य का मतलब होता है बुद्धि बढ़ाने वाला पदार्थ। आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद ने सभी जो बीमारियां हैं उनके तीन मूलभूत कारण बताए हैं, असात्म्य, इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। इसमें से जो प्रज्ञा होता है उसका मतलब होता है बुद्धि, और प्रज्ञा में थ्री फैकल्टीज काम करते हैं, धी, धृति और स्मृति। सो जब भी ये धी, धृति, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहते, उसके लिए हम जिम्मेदार रहते हैं कि ये मानसिक प्रज्ञापराध की घटना है, और उसको ठीक करने के लिए कल्याण घृत जरूर काम करेगा। तगर, वाउडिंग, कोष्ठ, बृहति, प्रियंगु, रेणुक बीज, ये मनोदोष जो बोलते हैं हम, रज और तमगुण। रज का मतलब होता है एक्सेसिव एक्टिवनेस, हाइपर एक्टिवनेस, और तम का होता हुआ है निग्लिजेंस या लिथार्जी, या क्या बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस चला जाना, बुद्धि की ताकत कम होना, इसके लिए डिप्रेशन हो जाता है। तो ये तमगुण के कारण होता है। कल्याणक घृत को तैयार करते समय इन औषधियों की जड़ी बूटियों का संस्कार किया जाता है। ये जो घृत है कल्याण घृत, उन्माद मतलब हिस्टेरिया, मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, अतत्वाभिनिवेश, कॉग्निजंस फैकल्टी कम हो जाती है, आदि मानसिक विकारों से होने वाले विभिन्न रोगों में ये काम करता है। मन के बढ़े हुए राजस गुण को कम करने के लिए और सात्विक भाव उत्पन्न करने के लिए ये कल्याण ग्रुत जरूर मदद करेगा। दिस विल रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी, ADHD, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो बच्चे में होती है उनके लिए कल्याण ग्रुत काम करेगा। ये इनके जो सभी वनस्पतियां हैं, सभी कंटेंट्स है, वो ये कल्याण घृत का तत्व जो है, प्रिंसिपल है, शीतल है, कूलिंग इफेक्ट है, इरिटेशन इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, पित्तनाशक है, और रक्तनाशक का मतलब रक्त की जो आम द्रव्य है, रक्त दूषित हुआ है वो कंट्रोल करने के लिए काम करेगी, रक्त बढ़ाने में मदद करेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, फिर इंप्यूरिटी जो है रक्त में, दूषित भाव जो है वो निकल जाएंगे।
इसलिए इस गुरुत का उपयोग सभी पित्त रोगों में किया जाता है। यहां तक कि जब भी बुखार आता है उसमें भी ये लाभकारी है, विशेषकर तृतीयक या चातुर्थक बुखार, जिसको आयुर्वेद में मलेरिया के तौर पर समझा लिया है। ठंड लगने के बाद फीवर विथ राइगर, तीसरे या चौथे दिन होने वाला जो बुखार होता है, इसके लिए कल्याण घृत हम देते हैं। इस कल्प के चंदन कमल बालक अनंत मूल तगर जाई के फूल, ये मूत्रवर्धक भी है, डायुरेटिक एक्शन होती है। मूत्रवर्धक ऐसे पदार्थ है कि जिसके द्वारा मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए कल्याण ग्रंथ, जो यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, जो भी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इन लोगों को इरिटेशन के कारण बार बार जाने की इच्छा प्रदर्शित होती है, पेन होता है, दर्दनाशक पेशाब, कम पेशाब आना, इन सब कंडीशन जैसे सदाह मूत्र प्रवृत्ति, बर्निंग मिक्चुरेशन, मूत्र कृच्छ्र दैट इज डिस यूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन और मूत्राघात, स्कैंटी यूरिनेशन, इन सब में कल्याण ग्रंथ आप दे सकते हैं। वात रक्त एक ऐसी बीमारी है, इसमें रक्त विषाक्तता के कारण होने वाला ये व्याधि है। वात रक्त की कंपैरिजन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी हम कर सकते हैं। कई कबार इसका जो मतलब सिमिलरिटी है वो गाउट से मिलती जुलती है। सेलुलाइटिस, ये सब बीमारियां वात रक्त के अंडर आ जाती हैं। ये रिलेटेड विद वात एंड रक्त, रक्त का मतलब रक्त और पित्त का क्या होता है, बहुत क्लोज रिलेशन है। तो रक्त पित्त की बीमारियां दूर करने में कल्याण ग्रुत काम करेगा। कल्याण ग्रुत ये गाउट में होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन के लक्षण जो हैं वो तुरंत कम करने की उसमें क्षमता है। मन की सात्विक भावना को बढ़ाने वाला ये ग्रुत विशेष रूप से मन पर कार्य करके मनुष्य को लाभ पहुंचाता है, उसका कल्याण कर देता है। लाभ पहुंचना मतलब कल्याण कर देना मनुष्य मात्रा का, इसीलिए उसको नाम कल्याणक घृत दे दिया है। खुराक कैसे लेंगे आप, कितने डोज लेंगे, 1 से 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को आप दूध के साथ ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा आप पूछते हैं कि यहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो घर बैठे बैठे आप ये कल्याण घृत मंगवा सकते हैं। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आपको किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आयुर्वेद एकेडमी सक्षम है, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद है। तो 9226810630 पर जरूर संपर्क करें। डिस्क्लेमर नाते से हमेशा ध्यान रखना, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और आपका जो प्रेम और सहकार्य है वो बनाए रखे। धन्यवाद।